गोजिन यू केंशिका का स्टूडेंट रहा हूँ और भी हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोफेशनल सेल्फ डिफेंस टैक्टिक्स की। आज कुछ दिनों पहले की बात है, दामिनी कांड हम लोग देख चुके हैं। उस दिन मुझे सोचने का मन हुआ कि ऐसा क्यों होता है। तब मैंने ये सोचा कि मेरे एक महान मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर शिपू जी शौर्य भारद्वाज, उन्होंने एक मिशन चलाया प्रहार, मैं उसके साथ जुड़ा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में, बेसिकली मेरे गांव में, कोई भी लड़की किसी भी लड़के की तरह गलत तरह से छेड़ी ना जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है ना, स्पेशली सेफ्टी पिन स्टेज के लिए आप लोग स्प्रे यूज़ करते हो, ये इनसे अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखे। और एक बहुत बुरी हवा लगा रही है किसी ने, कुछ लोग कहते हैं मर्द को डर नहीं होता, मैं कहता हूँ वो झूठ बात है कि मर्द को डर नहीं होता, जिसको डर नहीं होता वो मर्द नहीं होता। इसलिए मर्द नहीं होता क्योंकि जिसको दर्द का फीलिंग ही नहीं होता कि दूसरों को क्या दर्द हो रहा है, वो दूसरों के दर्द कैसे दूर करेगा। दूसरों के दर्द जो दूर करता है वही मर्द होता है। मैं नॉर्मल बात कह रहा हूँ। आज आप देख लीजिएगा, एक लड़की अगर एक लड़के को पीटेगी ना, तो उसको पांच लोग देखेंगे तो 10 को बताएंगे, 10 को बताएंगे तो 50 तक पहुंचेगी, 50 तक पहुंचेगी तो 100 लोग सोचेंगे, और एक दिन भारत एकदम सेफ जोन बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कोई मार्शल आर्ट सीखे, कराटे जूडो ताइक्वांडो आइकिडो कुछ भी सीखिए, पर जरूरी है कि बेसिक सेल्फ डिफेंस याद रखिए। हर किसी को बेसिक सेल्फ डिफेंस अपने आप आता है, हाथ उठाना बचाना सब कुछ अपने आप आता है, लात मारना अपने आप आता है, बस उसको अप्लाई कीजिए। हर लड़का हर लड़की इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि जिंदगी में खुद को बचाना बहुत जरूरी है।